हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज यानी 23 तारीख से 12 बजे के बाद से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होनी थी असिस्टेंट टीचर के लिए। ठीक है, 12 बज चुके हैं असिस्टेंट टीचर के लिए। यहाँ लिंक आप देख सकते हैं, जब आप एडू पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिंक आपको दिखाई देगा एडू पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी पर क्लिक करने पर आपका वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर से लिंक आपका ओपन होगा। ठीक है, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट और वो लिंक जहाँ पर से आपका आईडी पासवर्ड डालने पर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है व्यापम के वेबसाइट पर। ठीक है, व्यापम की जो लॉगिन आईडी है उसी से ये लॉगिन होगी और लॉगिन पर क्लिक कर देने से ये लॉगिन हो जाएगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें बीएड वालों को शामिल किया गया है अथवा नहीं किया गया है, क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है बीएड वालों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको देखिए, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ऑफिशियली आईडी पासवर्ड डाल करके लिंक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये दिया हुआ असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 राउंड वन, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग का राउंड वन शुरू हो चुका है। आईडी पासवर्ड लॉगिन करने पर ये जो है प्रेफरेंस फिलिंग के लिए विंडो ओपन हो चुका है। 23 अगस्त से 30 अगस्त का डेट यहाँ दिखाया जा रहा है, नॉट फिल्ड है और यहाँ पर एक्शन दिया गया है, यानी कि साफ तौर पर ये स्पष्ट है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दुखद बात यह है बीएड वालों के लिए कि बीएड को इसमें मौका नहीं दिया गया है, ये केवल डीएड वालों के लिए ओपन हो रहा है। जो डीएड के कैंडिडेट हैं, डीएड या डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ओपन हो रहा है और बीएड वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जब बीएड वाले अपना लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जिसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग फॉर द एग्ज़ाम्स यू हैव गिवन हैज़ नॉट स्टार्टेड, यानी कि बीएड वालों के लिए इसको स्टार्ट नहीं किया गया है, बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ डीएड वाले यहाँ पर को सिर्फ पात्र किया गया है और डीएड वाले ही काउंसलिंग कर पाएंगे। ये पेज डीएड वाले जब जितने कट ऑफ रैंक जो दिया गया है, घोषित किया गया है, उस कट ऑफ रैंक के अंदर वाले कैंडिडेट जब लॉगिन करेंगे तो उनका हो जाएगा और वो अपना प्रेफरेंस चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, बीएड वाले जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इसी तरह का ऑप्शन वहाँ पर शो होगा। तो यही एक अपडेट था कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, डीएड वाले जाएं अपना काउंसलिंग करा सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग, और शुरू हो चुकी है लेकिन बीएड वालों के लिए ये शुरू नहीं किया गया है। बीएड वालों को फ़िलहाल पृथक रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीएड वालों को इस पूरी प्रक्रिया से पृथक रखा गया है, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग और डीवीसी ये दोनों चयन की प्रक्रिया ही है। और यही बताया गया है जो सूचना निकली है कि उसमें चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है बीएड वालों को, तो जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी चयन की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करके शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।